राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनकारिणे परमानन्दमाधवं। ओं नमो भगवते चैतन्यचंद्राय। ओं नमो भगवते चैतन्यचंद्राय चैतन्यचंद्राय। हरे कृष्ण। समस्त भक्तों के चरणों कमलों में मैं मथुराधिष्ठास दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। विशेष करके मैं अपने आराध्यतम शिक्षा गुरु श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज, दीक्षा गुरु श्री श्रीमद राधा गोविंद दास के आदरणीय श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कृपा शिक्षा मांगते हुए भगवान के तथा भक्तों के चरित्र को अवगाहन करने का उनसे अनुमति तथा अनुकंपा प्राप्त कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो आज हम गंगा माता गोस्वामिनी, जो कि हमारे ब्रह्म माध्यव गौड़ीय परंपरा में महिला भक्तों में वैष्णवियों में परम उच्च शिखर पर धरातल पर पहुंचे, उन गंगा माता गोस्वामिनी, जैसे हम जाह्नवा माता के बारे में भी चर्चा किए, वे नारी शरीर होते हुए भी वे गोस्वामिनी अर्थात वे दीक्षा संस्कार प्रदान किए हैं, वे आचार्य स्थिति पर अवस्थान किए हैं। तो इसलिए हम उसी परंपरा के सूत्रक और अति उच्च कोटि के गुणातीत शरीर धर्म से परे भगवान के परम प्रिय गंगा माता गोस्वामिनी के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो जैसे कि वास्तविक जो जीवन है, भगवान की जो भक्ति है, वो परम सूत्र को प्राप्त करने वाला वो जो भक्ति है, यह गुणातीत है, शरीर धर्म से परे है। इसमें निश्चित कोई माने संशय नहीं है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ऐसे कि भगवान की भक्ति में अनेक युग योनि में अनेक प्रकार की जो किसी भी स्तर में हो, चाहे जाति हो, कुल हो, गोत्र हो, देश हो, काल हो, पात्र हो, वो व्यवधान नहीं कराता है। जैसे सर्पों ने भी भगवान को पाया, गोमाता ने भगवान को पाया, हाँ मनुष्यों ने भी पाया, देवताओं ने पाया, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, चारण, सिद्ध यों ने भी भगवान को पाया। भक्ति दैनता का सूत्र का आधार करते हुए जो परम भक्ति कार्य में संलग्न हो जाता है, भगवान की नाम रूप गुण लीला चरित्र के उपाय से वो भगवान को अवश्य प्राप्त करता है। जैसे कि हमारे आचार्यगण वर्णन किए हैं, जया द्विजा पत्नी जया नाग कन्या गौण भक्ति ते जाहार पाइल गोविंद चरण। तो जया द्विजा पत्नी, द्विज पत्नी अर्थात कृष्ण लीला में आप सबको अवगत ही है, भगवान ने ब्राह्मण पत्नी को उद्धार किया, ब्राह्मणों के पत्नी को वे उद्धार किए, और इसलिए यहाँ पे द्विज पत्नी कहा जा रहा है। और नागकन्या गण, नाग पत्नियों को भी भगवान ने उद्धार किया, इसमें कोई संशय नहीं। तो किस में पाए, किस सूत्र में पाए? भक्ति ते पाई लो जहां गोविंदा चरण। तो भक्ति में वे गोविंद के चरण को वे प्राप्त की, इसमें कोई भी संशय है नहीं। तो भक्ति परम मुख्य स्थिति है, भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संशय है नहीं। तो इसी सूत्र में गंगा माता गोस्वामिनी जीव तत्व होने के बाद, यद्यपि जाह्नवा माता शक्ति तत्व है, नित्यानंद शक्ति तत्व है, लेकिन गंगा माता गोस्वामी जीव तत्व होने के बाद भी
वे भगवान को अति उच्च कोटि के धरातल पर भक्ति करते हुए गोविंद का चरण प्राप्त किए। तो हमारे परंपरा में ये दोनों जाह्नवा माता श्री शक्ति नित्यानंद श्री शक्ति होते हुए आचार्य स्थान पर पहुंची और गंगा माता गोस्वामी जीवित होने के बाद भी वे आचार्य की स्थिति पर पहुंची और जीवों को उद्धार की। तो गंगा माता गोस्वामी ने आज के समय में जो वर्तमान में जो पुंतिया नामक स्थान है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश जो आज के समय में जो राजशाही नामक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे गंगा माता गोस्वामी का जन्म हुआ, ऐसा आचार्यगण कहते हैं। 1601 ख्रीष्टाब्द में वे जन्म ग्रहण की थी शुक्ल दशमी के दिन, ज्येष्ठ जो अभी जो ज्येष्ठ महीना चल रहा है ज्येष्ठ मास के शुक्ल दशमी, और उसके बाद जो अर्थात जो द्वितीया आता है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, वो आषाढ़ आता है उसमें भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है। तो अभी जो चल रहा है आज का जो दिन है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी है, कल एकादशी, तो उसी हिसाब से गंगा माता गोस्वामी का प्राकट्य तिथि। और वे लंबे समय तक लगभग 121 वर्ष तक जीवित रहे, 121 वर्ष तक गंगा माता गोस्वामी जीवित रही, और उसी हिसाब से 1721 ख्रीष्टाब्द ने उन्होंने अपने स्वधाम को प्रत्यागमन लीला किया। तो आज के समय में जो राजशाही जिला है बांग्लादेश के, वहां के जो पुंतिया नामक ग्राम में, बांग्लादेश समय तो अखंड भारत का अभिन्न अंश था, उनमें जब गंगा माता गोस्वामी का जन्म हुआ तो वे कोई सामान्य नारी नहीं थे, वो राजकुमारी थी, वो एक राजकुमारी थी। उनके पिता का नाम जो था नरेश नारायण था, उनके पिताजी का नाम था नरेश नारायण। तो बड़े ही उच्च सम्राट राज्य परंपरा में राज परिवार में उनका जन्म ग्रहण हुआ, और बाल्यकाल से ही कृष्ण के प्रति वो अनुरक्त थी, कृष्ण के प्रेम में हमेशा अभिभूत होकर के विराजमान करती थी। तो पिता माता के अनेक समझाने के बाद भी व्यवहारिक जो खेल है अन्य क्रियाएं हैं उसमें वो अपना आग्रह प्रकाश नहीं करती थी, और प्रत्येक समय भगवान के भजन में कीर्तन में नाम में विग्रह सेवा में आदि में वे समय निकालती। जब खेलती भी तो मंदिर निर्माण का खेल खेलती थी, उसमें विग्रहों की पूजा करती थी, फूल से सजाती थी, विविध प्रकार के भोगराग लगाती थी, शालग्राम जी की सेवा करती थी। तो बाल्यकाल से ही उनकी स्वभाव सर्वत्र प्रसिद्धता को प्राप्त किया कि निश्चित रूप से भविष्य में जाकर के हरि के भगवान के एक परम भक्त होंगे। तो पिता माता अनेक प्रयास किए, जब वे 16 वर्ष को प्राप्त की आयु बढ़ते बढ़ते उनका सौंदर्य इतना आकर्षण करने वाला था, उनका नाम एक्चुअली बाल्यकाल में था सची देवी, गंगा माता गोस्वामी ने बाद में हुआ तो उनका नाम हुआ, उनका जो बाल्यकाल से पिता माता का प्रदत्त नाम था सची देवी। तो सची देवी बाल्यकाल से ही उस भगवत क्रिया में लिप्त थी, लेकिन शरीर के वर्णना के अनुसार वे परम सुंदरी थी, और विद्या में संस्कृत विद्या आदि अध्ययन में तथा क्षत्रिय कुल के अनुसार शस्त्र की शिक्षा में अस्त्र शस्त्र की शिक्षा में भी वे परम निपुणा थी, और उसी अनुसार वे भगवान की उस समस्त क्रियाओं का राज्य क्रियाओं का राज्य क्षत्रिय कुल के अनुकूल जो भी व्यवहारिक शिक्षा है ज्ञान का अस्त्र शस्त्र का उसको भी वे प्राप्त की, लेकिन उसका जो उनकी जो मुख्य जो आग्रह था अन्य सब क्रियाओं से हट करके भगवान की भक्ति में थी। इसलिए बाल्यकाल से ही वे इस प्रकार की क्रियाओं से संतुष्ट होने के कारण यद्यपि पिता माता के द्वारा अनेक प्रयास को प्राप्त किए, लेकिन 16 वर्ष प्राप्त करते हुए वे परम सुंदरी थी, और तदनुसार
उनका विवाह कार्य करने के लिए जब विचार किया गया तो कई प्रयास के बाद भी, क्योंकि जितने जो नवयुवक थे, अन्य राजकुमार थे, उनकी सौंदर्य को देखकर के अभिभूत हो जाते थे, अनेक प्रस्ताव आया उनकी विवाह के लिए, लेकिन गंगा माता गोस्वामी ने अर्थात सची देवी ने उस समस्त विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वे कहे कि मुझे भौतिक पुरुष नहीं करना है, मेरा जो भक्ति के संबंध के अनुसार मैं श्याम का हूँ, मैं श्याम के ही निरंतर चिंतन में अनुध्यान में शरीर को व्यतीत करूंगी। यद्यपि अनेक प्रयास करने के बाद पिता माता वृद्ध हो गए और वृद्ध के बाद वो अप्रकट को भी प्राप्त किए, उनका शरीर देहांत को प्राप्त किया राज, क्योंकि उनका और कोई संतान थे नहीं, तो इसलिए बाध्य होकर के सची देवी को राज्य का जो शासन भार है उसको स्वीकार करना पड़ा। इच्छा ना होते हुए भी राज्य का जो भार है उसको स्वीकार करना पड़ा। लेकिन हरि भक्ति में अन्य जो राज क्रियाएं हैं वो बाधा उत्पन्न होगा, यह विचार करते हुए कुछ ही काल के बाद वे समस्त राज्य भार को मंत्री पारिषद आदि वर्ग को प्रदान करके वे विचार किए कि मैं जगन्नाथपुरी चली जाऊंगी। तो सची देवी जगन्नाथपुरी चली गई और जगन्नाथ जी का अद्भुत सौंदर्य से अभिभूत होते हुए वहां पे कुछ काल निवास की। लेकिन एक दिन स्वप्न में जगन्नाथ जी कहे, तुम मेरी नित्य दासी हो और यहाँ पे तुम्हारा नित्य वास होगा, लेकिन तुम्हारा इस जीवन में सदउपदेश को प्राप्त करने के लिए, साधना भक्ति के मार्ग को ग्रहण करने के लिए तुमको गुरु ग्रहण करने की आवश्यकता है और तुमको गुरु प्राप्ति वृंदावन धाम में होगा, इसलिए तुम यथाशीघ्र यहाँ से तुम वृंदावन धाम के लिए यात्रा प्रारंभ कर लो। तो जगन्नाथ जी के उपदेश को पालन करते हुए सची देवी, जो कि यति धर्म को प्राप्त की थी, वैसे ही वो ब्रह्मचारिणी थी और बाल्यकाल से ही वो भगवान के प्रति अनुरक्त थी, तो इसी के अनुसार जगन्नाथ जी के कृपा कटाक्ष को प्राप्त करते हुए वे जगन्नाथ धाम से वृंदावन धाम की यात्रा की। तो वृंदावन में वे जब पहुंचे तो वहां पे कुछ काल निवास करने के बाद, उस समय तो वृंदावन सुनसुना था, लेकिन रूप गोस्वामी आदियों की बाद की बात है, तो गोविंद का मंदिर, गोपीनाथ का मंदिर, मदन मोहन का मंदिर आदि मंदिर सब थे, तो वहां पे भगवान का अद्भुत श्री विग्रहों का दर्शन करते, विशेष करके जो सची देवी है गोविंद देव के सुंदर के प्रति आसक्त हो गई। वहां पे गोविंद देव के मुख्य पुजारी तथा गौड़ीय परंपरा के अन्यतम आचार्य हरिदास पंडित उपस्थित, तो हरिदास जो पंडित है वे गुरु परंपरा में पंचतत्व में अन्यतम श्रीमती राधारानी के अवतार श्री श्री गदाधर पंडित के शिष्य जो अनंत आचार्य हैं, जो कि साक्षात सुदेवी के अवतार हैं, जो अष्ट सखियों में जो सुदेवी है, तो सुदेवी के अवतार श्री अनंताचार्य हैं, जिनका स्मरण स्वयं चैतन्य चरितार्थ में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया है। तो उन अनंत गोस्वामी जो सुदेवी के अवतार थे उनके शिष्य हरिदास पंडित, तो हरिदास पंडित परम उच्च कोटि के भक्त थे और जैसे कि वर्णना किया गया है उनका नाम भी रघु गोपाल था, ऐसा भी कुछ वैष्णव कहते हैं, और हरिदास पंडित भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे रास मंजरी थे, जो भगवान राधा रानी के अनेक मंजरियों में अनेक, जैसे हमने कई चर्चाओं में कहा अनंग मंजरी, विलास मंजरी, विनोद मंजरी आदि अनेक प्रकार के मंजरियां हैं, जिनकी आयु बड़ी कम वर्ष की छोटी छोटी कन्याओं की आयु रहती है, तो वैसे अद्भुत पराक्रम विष्णु और साक्षात मंजरियों के स्वरूप जैसे हरिदास पंडित के गुरु हुए अनंताचार्य, अनंताचार्य मंजरी नहीं थे, साक्षात सुदेवी के अवतार, और वे गदा और सुदेवी के माने अर्थात
इस चैतन्य लीला में वे गदाधर पंडित जो राधा रानी के अवतार हैं उनसे दीक्षा प्राप्त किए और अनंताचार्य से हरिदास पंडित दीक्षा प्राप्त की। तो उन हरिदास पंडित जो कि रास मंजरी है, रास में जिनका मुख्य सेवा रहता है, तो उनके वे गोविंद देव की सेवा करते थे। उस समय भव्य मंदिर था, जैसे कि 7 मंजिला मंदिर था और बड़ी धूमधाम से विविध प्रकार के राग से अनुराग से राजभोग के द्वारा विविध प्रकार के स्वर्ण हीरक चटित श्रृंगारों के द्वारा गोविंद देव का श्रृंगार होता था। तो गोविंद देव की अद्भुत सौंदर्य को देखते हुए सची देवी आकर्षित हो गई और वहां पे हरिदास पंडित के संसर्ग को वो प्राप्त की। तो कालांतर में स्वेच्छाकृत भाव से जब सची देवी क्या करती थी, प्रातः मुहूर्त में ही यमुना जी में स्नान करने के बाद, उनका कोई गृह नहीं था, वो रात्रि में यमुना के किनारे ही केसी घाट के किनारे वे सो जाती थी, किनारे ही। तो उस समय तो वहां पे जो रज था, वृंदावन के रज में, यमुना जी के रज में रात्रि में सची देवी विश्राम कर लेती और तुरंत ही ब्राह्म मुहूर्त को जब प्रारंभ होने के तक पूर्व में उठ करके स्नान शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के वे गोविंद देव का मंदिर चली जाती थी और गोविंद देव का जो पूर्ण जो स्थान है उसको झाड़ू कर। सोचिए, जो राजकुमारी थी, परम ऐश्वर्य में महल में निवास करने वाली, और वे जब पहली बार वृंदावन आई थी उनके पास तो कोई वलकल वस्त्र आदि थे नहीं, तो राजकीय वस्त्र को धारण की, अनेक आभूषणों को पहनी हुई थी, अनेक आभूषण, हीरक जटित और स्वर्ण जटित, और रस्ते भर जो भी ब्राह्मण वैष्णव को देखती उसको दान करते करते चलती, और मथुरा में और वृंदावन में अनेक मंदिरों में अपना पहनी हुई समस्त आभूषणों को वे पूर्ण रूप से त्यागते हुए बलकला आदि वस्त्र को धारण करते हुए यति धर्म को पालन करते हुए वृंदावन में इस प्रकार के दैन्य स्थिति में निवास करती। तो जब हरिदास पंडित के चरणों में सची देवी ने अनुरोध किया कि मुझे आप कृपया दीक्षा प्रदान करिए जिसके द्वारा मैं अनुग्रहित होंगी, तो हरिदास पंडित का नहीं, तुम्हारा तो शरीर राजकीय शरीर है और राजकीय सुख को, सुविधाओं को, साधनों को प्राप्त करने के कारण यह यति धर्म को और वृंदावन की धरातल पर यह निवास नहीं कर सकता, तुम अत्यंत कोमलांगिनी हो और इस कठोर ब्रजवास जो कि अन्य दृष्टिकोण से वज्रवास के समतुल्य है, तुम वहां पे निवास नहीं कर सकते। तो उनको परीक्षा करने के लिए हरिदास पंडित ने निरुत्साहित किया अनेक प्रकार के, लेकिन सची देवी दृढ़ संकल्प थी, अपने निश्चय में दृढ़ थी, वो जान ली कि गुरु महाराज मुझे परीक्षा कर रहे हैं, इसलिए विचलित ना होते हुए सची देवी ने विचार किया कि मैं दृढ़ता से वृंदावन में निवास करूंगी। ऐसे संकल्पबद्ध होकर के सची देवी अनेक प्रकार से वृंदावन में सेवा करती, विशेष करके गोविंद देव का आरतियों का दर्शन के बाद नित्य नियमित हरिनाम में लग जाती और नित्य प्रतिदिन वृंदावन के अनेक मंदिरों में कुंजों में वह भ्रमण करते, क्रंदन करते, गुरु विहीना और कृष्ण विहीना अपने आप को विचार करते हुए अत्यंत भाव से रुदन करते थी कि मानो अभी करुणा अगर गुरु का नहीं होगा तो मैं प्राण को विसर्जन कर दूंगी। करुणा न हईले कांदिया कांदिया प्राण न रखिबो गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तुनापेक्षा। तो गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तुनापेक्षा। तो हे गुरु महाराज, आपकी अगर कृपा नहीं होगा तो इस जीवन को धारण करके क्या लाभ है, मैं अपना प्राण को विसर्जन कर दूंगी। यह विचार करते हुए सची देवी ने विरह पूर्ण भाव से अन्न जल
को भी मानो कभी खाती थी कभी नहीं खाती थी, और इस प्रकार की तीव्र वैराग्य पूर्ण धर्म में, और ना गृह था, ना कोई कुटिया था, कोई ना निवास था, ना कोई निर्दिष्ट जगह पर रहने का स्थान था। नारी के शरीर में इतने वर्षों पहले, जो कि पूर्व में राजकुमारी थी, इतनी दैन्यता से और इतनी कठोर पूर्ण व्यवहार में ब्रजवास करना, सबको देखते हुए जितने भी गोस्वामी गण थे, अन्य जो मंदिरों के पुजारी थे, ब्रजवासी थे, आश्चर्यचकित हो गए और अत्यंत हर्षित हुए, परम प्रसन्न हुए कि शायद चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में कोई एक साधिका इतना कठोरता से निवास कर सकती है। सब देख करके भूरी भूरी प्रशंसा किए और प्रशंसा की। तो उस क्रियाओं को देखने के बाद हरिदास पंडित जो थे अत्यंत प्रसन्न हुए और कहे, ठीक है, अब मैं तुमको दीक्षा संस्कार प्रदान करूंगा। तो इसलिए हरिदास पंडित जो कि रास मंजरी थी, वे कृपा करके सची देवी को दीक्षा संस्कार प्रदान की और कहे, तुम कुछ काल वृंदावन में वास करने के बाद राधा कुंड चले जाओ, और राधा कुंड में मेरी एक शिष्या है और एक वैष्णवी है जो कि भजन कर रही है निवृत्त होकर के निष्ठा से, उनकी नाम है लक्ष्मी प्रिया देवी दासी। तो आप लक्ष्मी प्रिया देवी दासी उनके पास समीप में वास करो और निरंतर रूप से हरिनाम का माने नित्य प्रतिदिन जप करते हुए निर्दिष्ट संख्या में, और तुम गिरिराज जी का परिक्रमा करो और वहां के कुछ काल वास करने के बाद मैं तुमको उपयुक्त जब विचार करूंगी मैं तुमको कुछ निर्दिष्ट सेवा दूंगा। तो अपने गुरु हरिदास पंडित की आज्ञा से सची देवी वृंदावन से राधा कुंड की ओर प्रस्थान की। राधा कुंड में परम वैष्णवी पूर्व में ही गुरु बहन लक्ष्मी प्रिया देवी दासी राधा कुंड के समीप निवास करती, कुंजों में निवृत्त रूप से लुकायत रूप से अलक्षित रूप में वे निवास करती थी। तो गुरु महाराज की प्रेरणा वो पूर्व से ही प्राप्त कर ली थी। तो जब गंगा सची देवी आकर उपस्थित हुई लक्ष्मी प्रिया देवी दासी के पास, तो वे परम प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के सची देवी का सत्कार की और कही कि आइए अब हम दोनों ही हरि भजन में निमज्जित होकर के गुरु महाराज की आज्ञा को पालन करें। तो पहले से ही लक्ष्मी प्रिया देवी दासी प्रत्येक दिन 300,000 नाम करती थी, अर्थात 192 माला, 64 माला तीन बार करे तो 192 माला होता है, तो 300,000 माला जब श्री लक्ष्मी प्रिया देवीदासी करती। तो गंगा माता गोस्वामिनी भी उनकी प्रेरणा सूत्र को प्राप्त करते हुए, हरिनाम ही मुख्य आधार है और हरिनाम के द्वारा ही समस्त ध्येय प्राप्त होगा यह अवगत होकर के गुरु कृपा से, गौरांग कृपा से, गोविंद कृपा से वे भी 192 माला या 300,000 नाम जिसको हम कहते हैं उसको करने के लिए राधा कुंड के जल को स्पर्श करते हुए प्रतिज्ञाबद्ध हुई। तो लक्ष्मी प्रिया देवीदासी और सची देवी दोनों ही मिलकर के राधा कुंड के समीप वे इस प्रकार के दृढ़ता से भजन करने लगे। उस समय राधा कुंड में कोई था ही नहीं, कुछ ही काल पहले रघुनाथ दास गोस्वामी अप्रकट लीला को प्राप्त किए थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के कुटिया के निकट वे परिक्रमा करते, राधा कुंड की परिक्रमा करते और प्रत्येक दिन गिरिराज जी की भी परिक्रमा करते प्रातः उठते। राधा कुंड में 3 बार स्नान करना, अष्ट कुंज जो राधा रानी के अष्ट कुंज है उसकी चिंतन युक्त क्रियाओं में जप करना, श्याम कुंड की जो अष्ट कुंज है, अष्ट सखाओं का कुंज है, वहां पर नित्य प्रतिदिन क्रियाओं को करते हुए चिंतन करते हुए अष्टकालीय लीलाओं का चिंतन करते हुए 300,000 नाम करना, हरिनाम करना, 192 माला का जप करना, वे निर्दिष्ट नियम को पालन करते हुए इस प्रकार से परम वैरागिणी स्वरूप में वे लक्ष्मी प्रिया देवीदासी और सची देवी निवास करती थी।
तो इसी बीच में कई एक बार वे भगवान शिवराय जो उनके इष्ट स्वरूप में अपने हृदय के अंदर में निवास करते थे और उनका वह दर्शन प्राप्त की राधा कुंड की दिव्य स्वरूप को, जो साधारण स्वरूप में शिवाल दिखता है, मेला दिखता है, फूल आदि बड़ी रहती है, ऐसे व्यवहारिक दृष्टि से दिखाई देता है, लेकिन वो परम दिव्य है। शाश्वत चिन्ह में भगवान श्रीमती राधा रानी का परम प्रिय स्थली है। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं वृंदा ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ वृंदावन है, उससे श्रेष्ठ गिरिराज जी है, और गिरिराज जी से भी श्रेष्ठ ब्रह्मांड का विश्व का सर्वोत्तम उत्तम स्थान श्री राधा कुंड है। राधा कुंड तट कुंज शमीर। तो जैसे भक्ति विनोद ठाकुर गीत क्या है, राधा कुंड के तट पर, कुंज पर, समीर पर भगवान राधा रानी का और कृष्ण का नित्य नैमित्तिक लीलाएं संपादित होता है। तो उन समस्त दिव्य रहस्य के सूत्र को नाम के माध्यम से श्री श्री सची देवी प्राप्त की। नाम हैते सर्व सिद्धि होइबे सवार सर्वक्षण बोलो आर विधि नाई आर। नाम हैते सर्व सिद्धि, नाम के द्वारा ही समस्त सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तविक हरिनाम में सब कुछ है, लेकिन हम हरिनाम के प्रति पूर्ण विश्वास न करने के कारण ही यह इतना प्रभाव दिखाता भी है, लेकिन हमको हमारी अनुभूति में नहीं आता। तो विश्वास मूले जगत बंधा, और कलिकाल में स्वल्पम पुण्यम बता राजम विश्वास नहीं जायते। पुण्य स्वल्प होने के कारण, पाप क्रियाओं में लिप्त होने के कारण इनका विश्वास उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन हरिदास पंडित जो कि रास मंजरी के अवतार थे, साक्षात सुदेवी अनंताचार्य के वे शिष्य थे हरिदास पंडित, और उनकी शिष्या श्री श्री सची देवी परम गुरु महाराज की कृपा कटाक्ष के कारण वे उन समस्त रहस्य को अवगत हुई, समस्त लीलाओं का वे दर्शन की। जब ऐसे भजन के उच्चतम शिखर पर वो विराजमान की, तब गुरु महाराज हरिदास पंडित अत्यंत प्रसन्न होकर के कहे कि तुम जब यति धर्म को ग्रहण करने से पहले जब जगन्नाथपुरी गई थी, और तुम स्मरण करो जगन्नाथ जी तुमको स्वप्न में कहे थे कि समय आने पर तुम मेरे धाम पर नित्य निवास करोगे, तो इसलिए अब वो समय आ गया है। हाँ, जगन्नाथ जी जो कृष्ण से अभिन्न है और गौरांग महाप्रभु से अभिन्न है, तो तुम उन जगन्नाथपुरी जाकर के जगन्नाथ जी के अभिन्न स्वरूप राधा विरह विद्रा विग्रह जगन्नाथ जी के जो अभिन्न स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण विरह विद्रा विग्रह है, उनके परम प्रिय भक्त पार्षद सार्वभौम भट्टाचार्य उनके निवास परित्यक्त अवस्था पर है, तुम वहां पे जाकर के निवास करो और उस लुप्त तीर्थ का उद्धार करो। वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य के सेवित दामोदर शिला परित्यक्त अवस्था में अवहेलित अवस्था में पड़े हैं, उनकी सेवा पूजा का विधान करो। दामोदर अर्थात कृष्ण के जो शिला है, शालग्राम शिला है, वहां पे जाकर सेवा करो। जय गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। तो गुरु महाराज हरिदास पंडित की आज्ञा से सची देवी ने यथाशीघ्र ही अपने प्राण प्यारे जगन्नाथ जी को, जो प्रिय पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम है, उस धाम की उन्होंने यात्रा प्रारंभ कर दिया। कुछ महीने के बाद वे जगन्नाथपुरी में जाकर के पहुंचे और जगन्नाथ जी का दर्शन करके वे पुनः अभिभूत हो गए, परम प्रसन्न हुए। समुद्र में स्नान करने के उपरांत निकट में जो श्वेत गंगा है वहां पर स्नान करके, श्वेत गंगा के निकट ही सार्वभौम भट्टाचार्य का जो स्थान है वहां पे विवास के, चैतन्य महाप्रभु की गंभीरा, काशी मिश्र का आंगन, बक्रेश्वर पंडित के सेवित विग्रह, श्री
राधा राधाकांत जो हमने चर्चा किया था, तो उनका दर्शन किए, महाप्रभु के अनेक पार्षदों के विग्रह का दर्शन किए, तोटा गोपीनाथ का दर्शन किए जो कि साक्षात गदाधर पंडित के शहीद विग्रह है, महाप्रभु के द्वारा आविष्कृत विग्रह है। हरिदास ठाकुर का जो सिद्ध बकुल सामने ही है गंभीरा के पार्श्व में, वहां पे दर्शन किए। हरिदास ठाकुर की समाधि जो कि आज के समय में इस्कॉन के सामने, वहां पे दर्शन किए। समस्त तीर्थों का दर्शन करने के उपरांत श्री सची देवी ने सार्वभौम भट्टाचार्य गृह में निवास किया। तो उस समय गृह परित्यक्त था, जराजीर्ण था, पुनः उसका संस्कारित करते हुए मार्जन करते हुए परित्यक्त अवस्था में जो उनकी सेवित शालग्राम विग्रह, दामोदर शालग्राम विग्रह था, उनकी बड़ी प्रेम से अत्यंत श्रद्धा से और भक्तिपूर्ण व्यवहार से उन्होंने सेवा प्रारंभ कर दिया। तदुपरांत वे तो परम विदुषी ही थी शास्त्र में, तो वहां पे धीरे धीरे लोग उनको देखने के लिए चले आ रहे। एक नारी का शरीर होते हुए यति धर्म को प्राप्त करके सन्यासिनी का धर्म को पालन करते हुए वो निवास कर रही, तो सभी जगन्नाथपुरी के जो निवासी, नीलाचल धाम के निवासी, उनका दर्शन करने के लिए धीरे धीरे उमड़ पड़े। और वे जब भक्त लोग आते थे तो भागवतम की अत्यंत सुंदर कथा कहते और विरह पूर्ण भाव से विप्रलम भाव को प्राप्त करने वाला विशेष करके दशम स्कंद है उसको बड़ी सुंदर भाव से विवेचना करते। तो धीरे 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 उनकी प्रसिद्धि जगन्नाथपुरी के प्रत्येक लोग के पास व्याप्त हो गई। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य के गृह में निवास करने के समय एक दिन क्या हुआ, ना चंद्रदास नामक जो एक ब्राह्मण थे, जयपुर के निवासी थे जिनका नाम था चंद्र शर्मा, जयपुर के निवासी जो राजस्थान जयपुर के हैं, उनके पास एक विग्रह था, उनका नाम था रसिक राय। तो पूर्व जीवन के कुछ कर्म के कारण उनका कोई संतान नहीं थे और वे जब वृद्ध होने लगे तो राधा रसिक राय बोले, अरे तुम तो वृद्ध हो गए और तुम तो मेरी सेवा भी नहीं कर सकते और तुम्हारा भी कोई संतान नहीं है, तो इसलिए मुझको तुम जगन्नाथपुरी ले जाओ। तो चंद्र शर्मा कहे, इतनी लंबी यात्रा करूंगा किसको दूंगा, आप बताइए। स्वप्न में ही बोले, तो बोले वहां पे मेरी एक भक्त है तो उनको तुम यह प्रदान कर दो, उनका नाम सची देवी है, तो उनको तुम यह विग्रह प्रदान कर दो। तो धीरे धीरे प्रेरणा प्राप्त करके चंद्र शर्मा राधा रसिक राय की प्रेरणा प्राप्त करते जयपुर से आकर के जगन्नाथपुरी में उपस्थित हुए। जगन्नाथपुरी में वे सची माता, सची देवी जो है, उनको ढूंढना कोई बड़ी बात थी ही नहीं, वे उस समय परम प्रसिद्ध हो गई थी, नित्य भागवतम का पाठ करती, अनेक श्रोता आकर के उनको श्रवण करते। तो इसी बीच में वे जब राधा रसिक राय के विग्रह को लेकर के पहुंचे सची देवी के पास, तो कहे, भगवान का ऐसा आज्ञा है तो आप कृपया इन विग्रह को, सेवा को ग्रहण करिए, स्वीकार करिए। लेकिन बोले कि मैं तो यति धर्म में निवास करने वाली हूँ, मेरे पास धन नहीं है, व्यवस्था है नहीं है, भगवान तो आभूषण प्रिय है, सेवा प्रिय है, उनके लिए राजकीय सेवा की आवश्यकता है, भगवान कृष्ण रसिक राज है और इनका नाम भी रसिक राय भी है, तो ये तो परम रसिक है, वे तो सामान्य सेवा से संतुष्ट नहीं होंगे और मेरे पास यह समस्त व्यवस्था है नहीं, इसे कृपा करके मैं आपकी आग्रह को ग्रहण नहीं कर सकता और मैं इन विग्रह की सेवा करने में असमर्थ हूं। तो वे जब सची देवी ने विग्रह की सेवा करने के लिए मना कर दिया तो ब्राह्मण चंद्र शर्मा अत्यंत दुखी हुई और दुखी होकर बार बार अनुरोध किए, तब भी सची देवी माने नहीं, बल्कि मैं नित्य दिन जगन्नाथ जी का दर्शन करता हूँ, देखिए निकट में जगन्नाथ जी, उनका 7-7 बार श्रृंगार होता है, 7-7 बार उनको भोग लगता है, इतना बड़ा मंदिर है, भव्य सेवा आभूषणों से अलंकार से, बार बार 7 बार उनका माला परिवर्तन होता है,
तुलसी से, कस्तूरी से, चंदन से, अगरु से, कपूर से, दिव्य सुगंधित द्रव्यों के द्वारा उनका सेवा होता है, और निकट में इनको रखूंगा और मैं इनका सेवा अच्छे से नहीं कर पाऊंगी तो मुझे बहुत दुख लगेगा, इसलिए कृपा करके मैं इस सेवा को ग्रहण नहीं कर सकती। तो बार बार कहने के बाद भी, चंद्र शर्मा के अनुरोध के बाद भी, जब सचिदेवी माने नहीं तो वे विचार की ओर क्या किया जाए, तो सचिदेवी अपने भजन में लिप्त हो गई, आंख बंद करके आंख से अश्रु गिरती और भगवान के स्मरण में वंदन करते करते वे भगवान का नाम करती थी। 192 माला का जप का नियम है। तो चंद्र शर्मा विचार किए भगवान का तो ये आज्ञा क्या करे, तो निकट में सची देवी क्या कहते हैं, तुलसी का बगान किए, क्योंकि वैष्णव तो तुलसी देवी को पूजा करते हैं और शालग्राम, दामोदर शालग्राम के सेवा के लिए तथा नित्य प्रतिदिन जगन्नाथ जी की सेवा के लिए अनेक तुलसी को संग्रह करते हुए हर एक दिन वे जगन्नाथ जी के लिए, बलदेव जी के लिए एक एक तुलसी की माला वो करके वो जगन्नाथ जी की सेवा देते हैं। क्षेत्र में निवास की थी और हरिदास पंडित की आज्ञा थी तुमको क्षेत्र संन्यास में रहना है, अर्थात क्षेत्र छोड़कर के कभी कोई जाता नहीं तो उसको क्षेत्र संन्यास कहते हैं। जैसे गदाधर पंडित भी क्षेत्र संन्यास थे और वे गोपीनाथ जी की सेवा करते थे, तो क्षेत्र संन्यासिनी सचिदेवी इस प्रकार से जगन्नाथ जी के लिए तुलसी की माला प्रत्येक दिन लेते, भगवान तुलसी प्रिय है। तो चंद्र शर्मा ने क्या किया, तो जो रसिक राय का विग्रह को तुलसी के बगान में छुपा दिया, और छुपा करके भगवान रसिक राय का आज्ञा को मानते हुए वे वहां पे उनको रख करके अपने स्थान जयपुर के लिए वे चल पड़े। मध्यरात्रि में क्या हुआ, जब सची देवी शयन में थी, निद्रावस्था में थी, तो राधा रसिक राय अपने समस्त दिव्य माधुर्यमय सौंदर्य को प्रकट करते हुए प्रकट हो गए, साक्षात रूप में सची देवी के स्वप्न में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के कहे कि सची तुम इतने दिन से मुझे ही ढूंढ रहे थे और मैं जब साक्षात रूप से आया तो तुम मुझे सेवा करने के लिए मना कर रहे हो, ये कैसा तुम्हारा व्यवहार है, मैं तुम्हारी इस व्यवहार से अत्यंत खिन्न हूं और मैं भी बहुत दुखी हूं, मैं परम रसिक हूं लेकिन तुम मेरी रसिकता को हानि पहुंचाए हो, कष्ट दे रहे हो, और मैं कब से तुलसी के बगान में पड़ा हुआ हूं और तुम्हारे प्रतीक्षा में हूं। ऐसा कहते हुए रसिक राय जब इस प्रकार की लीला किए तो सची देवी तुरंत जग गई और लगा कि साक्षात रसिक राय प्रकट करके कहे, तो तुरंत ही स्नान शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के वे तुलसी के बगान में ढूंढने लगे, कहाँ है कहाँ है। तो दिव्य नील कांत मणिमय स्वरूप, नील कांत मणिमय स्वरूप एक दैदित्यमान तेजमय आलोक का पुंज प्रकट हो रहा था एक जगह के तुलसी के बगान में, तो जाकर के देखे राधा रसिक राय साक्षात स्वरूप में हंस रहे हैं, स्मित हास्य वदन में लेटे हुए, बोले कि सची तुम आ गए। तो सची रसिक राय की अद्भुत कृपा को देखते हुए, उनकी अद्भुत स्नेह और दुलार को देखते हुए परम प्रसन्न हुई और आलिंगन करके रसिक राय का अनेक व्यंजन की, क्षमा प्रार्थना की, कही कि मुझे आप कृपया क्षमा कर दीजिए और मेरी भूल चूक को आप क्षमा कर दीजिए और मुझे आप इस प्रकार से अनुग्रह करेंगे, मुझे अनुग्रह में आपकी अपने साधन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार मैं आपकी सेवा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं। तो दामोदर शिला के सहित सची देवी क्या किए ना, उन रसिक राय के विग्रह को भी ला करके सेवा किए। तो अगर आप जाएंगे अभी जो सार्वभौम भट्टाचार्य का जो आंगन है, जहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को षडभुज गौरांग का दर्शन कराए थे, तो वहां पे राधा रसिक राय का विग्रह है जो पहले तो चंद्र शर्मा के द्वारा पूजित था, साक्षात रूप से गंगा माता गोस्वामिनी जो बाद में नाम हुआ सची देवी गंगा माता गोस्वामिनी, वहां पे उनकी सेवा की। बाद में परंपरा में अनेक विग्रह वहां पे प्रकट हुए, राधा श्याम सुंदर विग्रह, राधा रमण विग्रह, राधा विनोद विग्रह आदि वहां पे
अभी के समय में 5 सेट राधा कृष्ण के विग्रह वहां पे हैं, और बीच में रसिक राय का विग्रह है, और बाजू में नृत्य रत चैतन्य महाप्रभु का विग्रह, गोपाल का विग्रह, और सार्वभौम भट्टाचार्य के सहित दामोदर शिला शालिग्राम विग्रह भी वहां पे उपस्थित है। तो इस प्रकार से सची देवी प्रेम से श्रद्धा से दामोदर की शिला की सेवा करते और साक्षात रूप से प्रकट राधा रसिक राय की सेवा करते, अनित्य प्रतिदिन जगन्नाथ जी के लिए सेवा देते, जगन्नाथ जी का दर्शन करते, तथा अन्य स्थान गंभीरा और सिद्ध वकुल, तोटा गोपीनाथ, समुद्र में स्नान करना आदि आदि क्रियाओं को करके वे भजन क्रिया में लिप्त थे। क्योंकि वे क्षेत्र संन्यास लिए थे, एक दिन क्या हुआ ना, जब गंगा सागर मेला पड़ा, गंगा सागर में मेला पड़ता है, उसमें अनेक लोग जाकर के स्नान करते हैं, तो महावारुणी स्नान का तिथि में मुख्य स्नान होता है। तो महावारुणी स्नान के दिन उन सची देवी को परम इच्छा हुआ कि मैं भी अगर गंगा जी में, जो भगवान का चरणामृत है, भगवान के चरणों से प्रकट हुई गंगा जी से मैं अगर स्नान करती तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता, कई दिनों से अभिलाषा है, लेकिन क्या करूंगी, गुरु महाराज ने क्षेत्र संन्यास के लिए बोला है कि क्षेत्र को छोड़ के तो मैं कहीं अन्यत्र जा नहीं सकती हूँ। तो इस विचार में संलग्न होते हुए, रुदन करते हुए वे शयन कर ली। तो जगन्नाथ जी तो भक्त वश्चले, अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र वेवदी साधु भी हृदय भक्ति भक्त जन प्रिय। तो महावारुणी स्नान के दिन जो आगे आने वाला था नेक्स्ट डे ही, तो उसमें स्नान करने के लिए गंगा माता गोस्वामी सची देवी जब परम इच्छा को प्राप्त किए, तो जगन्नाथ जी भक्त वश्चल जगन्नाथ जी क्या किए कि हे सची, तुम क्यों चिंतित हो रही हो, गंगा जी मेरे तो चरण में ही तो गंगा है, अन्यत्र कहाँ है, तो तुम मेरे चरण में आ जाओ और तुम स्वतः ही गंगा में पहुंच जाओगे। तो जो कि निकट में श्वेत गंगा है, अभी भी देखेंगे श्वेत गंगा पुष्करणी है, तो कहे कि तुम श्वेत गंगा में जाकर के डुबकी लगाओ और तुम गंगा जी में जाकर के पहुंच जाओ। तो जगन्नाथ जी की आज्ञा को पालन करते हुए सची देवी क्या किए, स्नान शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के श्वेत गंगा में प्रवेश किए, और श्वेत गंगा में जब प्रवेश किए तुरंत ही एक आनंद का, प्रेम का एक लहरी, जल का लहरी खींचते हुए उनको अन्यत्र कहां ले गया, और वे देख रही हैं, अनुभव कर रही हैं, धीरे धीरे जल के मार्ग से वे गंगा जी में डायरेक्ट जाकर के पहुंच गए, गंगा जी में पहुंच गए, और ना सिर्फ देखे कि वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, अपितु अनेक भक्त भी, जैसे गंगा जी में कोलाहल होती रही, जहां पे भी गंगा जी का घाट है नित्य प्रतिदिन वहां पे स्नान करते, और महावारुणी स्नान में गंगा सागर में हजारों लाखों संख्या के श्रद्धालु तीर्थयात्री स्नान करते हैं। तो डायरेक्ट वे महावारुणी स्नान के जो मुख्य स्थली है गंगा सागर, जहां पे गंगा जी और सागर मिली हुई है, वहां पे जाकर के वो पहुंच गए जल मार्ग में। तो जगन्नाथ जी को बार बार धन्यवाद देते और आनंद से प्रेम से गंगा सागर में स्नान करते। तो वहां पे स्नान के बाद उसी जल का स्रोत ऐसा उनको खींचा, तो जल के स्रोत के प्रभाव में धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते वे डायरेक्ट जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर पहुंच गए। अर्थात गंगा जी का जो जल है साक्षात, क्योंकि जगन्नाथ जी का चरण ही गंगा का जो मुख्य स्थान है, प्रकट स्थान है, तो वे जो अभी के समय जो जगन्नाथ जी का जो गर्भगृह है, गर्भगृह के अंदर वो पहुंच गए, और देखे जगन्नाथ जी के गर्भगृह में रत्न सिंहासन के नीचे पूरा जलमय स्थान, और साक्षात गंगा जी प्रकट होकर के मूर्तिमंत रूप से जगन्नाथ जी की सेवा कर रही है, और जल के स्वरूप में आदिभौतिक आध्यात्मिक और आदिभौतिक स्वरूप में भी गंगा जी जगन्नाथ जी की सेवा कर रही है। बड़ी आनंद से जगन्नाथ जी को दर्शन करते हुए, बलदेव को दर्शन करते हुए
सुभद्रा चक्रा सुदर्शन जी को दर्शन करते हुए वे सची देवी बार बार गंगा जी में स्नान करते और जगन्नाथ जी प्रेम से उनको दर्शन करते, वे प्रेम से दर्शन करें जगन्नाथ जी को। समस्त ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व सिद्ध चारण आदि जगन्नाथ जी का स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, और गणेश शिव पार्वती आदि समस्त ब्रह्मांड के अनेक ऋषि मुनि देव देवताएं करोड़ों देव देवताएं जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं। तो उसको देख करके वह अभिभूत हो गए और बार बार प्रेम में स्नान करते, गंगा जी तो है ही, सभी अन्य अन्य उच्च कोटि के जो महात्मा है सिद्ध है वे भी गंगा जी में स्नान करते। तो रात्रि भर वे स्नान करते रहे, जगन्नाथ जी का स्तुति करते रहे, पाठ करते रहे। तो इधर एक आश्चर्यचकित करने वाला घटना हुआ, ना सिर्फ ये गंगा माता गोस्वामिनी के स्वप्न राज्य से प्रारंभ होकर के वास्तविक जागृत, जैसे मैं प्रयोजन में कहा था जागृत अवस्था से मनुष्य जब स्वप्न में आ जाता है और स्वप्न जब पूर्ण भगवतमय हो जाता है तो वो स्वप्न भी झूठा नहीं होता है, परम सत्य का परिचायक है। तो स्वप्न अवस्था से प्रारंभ करके जागृत अवस्था में और जो सुसुप्ति तुरीय अवस्था तक पहुंच गए गंगा माता गोस्वामी सची देवी, तो निकट में जो जगन्नाथ जी की जो मंदिर के जो रक्षी थे तो कोलाहल करने लगे और मंगल आरती की बेला में जब पूजा पंडा आकर के जगन्नाथ जी को जगाने के लिए उपस्थित हुए तो लगा कि कोई जल का अनेक लहरी, जैसे समुद्र के किनारे या जल के किनारे जल का कलकल 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 आवाज आता है, जैसे गंगा जी जहां पे प्रवाहित होते हैं आप देखेंगे एक डेढ़ किलोमीटर दूर से एक शब्द आता है, गंगा जी शांत से प्रवाहित नहीं होती, आवाज आता है उस स्रोत का, उस लहरियों का आवाज आता है। तो वैसे ही जो रक्षी थे पूजा पंडा थे वे अनुभव किए कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर से कोई जल की उच्चतर लहरियों का शब्द आ रहा है। सभी आश्चर्यचकित हो गए, बाहर तो कुछ है ही नहीं, अंदर कैसे आ रहा है। तो एक के बाद सिंह द्वार खुला गया, गुमट द्वार खुला गया, चुरा द्वार खुला गया, कुरुम द्वार खुला गया, दक्षिण द्वार खुला गया, और उसके बाद भोगमंडप द्वार खुला गया, उसके बाद नाटमंडप द्वार खुला गया, उसके बाद जगमोहन द्वार खुला गया, उसके बाद गर्भगृह का द्वार जब खोलने के लिए उपस्थित हुए क्योंकि जल की आवाज आ रहा है और गर्भगृह से बड़ी जल की आवाज आ रहा है, कोई कोई पंडित विचार किए शायद क्या मिट्टी से, क्या माने जो फर्श है जगन्नाथ जी के रत्न सिंहासन के नीचे जो मिट्टी है वो क्या फट गया है क्या, और जल की फुहारे क्या आ रहा है क्या, इतना जल का शब्द कहाँ से आ रहा है। तो सभी मुदिरस्थ को बुलाए, मुदिरस्थ जो ताले के ऊपर मुदी करते हैं, तो मुदिरस्थ के द्वारा ताला को खुला गया, गर्भगृह का स्वर्णमय द्वार को जब खुला गया देखा, जब जब खोले तो देखे कुछ भी जल नहीं है, जगन्नाथ जी बलदेव जी सुभद्रा जी सुदर्शन जी का साक्षात विग्रह विराजमान है। रात्रि का बड़ श्रृंगार और गीत गोविंद का जो खंडवा पाठ है वो पहन करके जगन्नाथ जी आनंद से बैठे हुए हैं। लेकिन और एक सबसे आश्चर्यचकित करने वाला वस्तु हुए देखे, यद्यपि जल का शब्द आ रहा था लेकिन उस गर्भगृह में रत्न सिंहासन के सामने कोई नहीं है, केवल एक नारी वहां पे प्रेम से क्रंदन कर, और वो नारी कोई अन्य नहीं थी, वो सची देवी ही थी। जगन्नाथ जी को देखते हुए प्रेम से क्रंदन करे, उनका संपूर्ण जो शरीर है वस्त्र वो भीगा हुआ है क्योंकि रात्रि भर गंगा जी में स्नान किए हैं, लेकिन जो वो पंडा प्रतिरक्षा मुदिरस्थ आदि विचार किए निवृत्त द्वार में किसी सूत्र में ये पहले से ही शयन आरती के समय छुप करके रत्न सिंहासन पे रह गए। तो भगवान जो विविध प्रकार का चीता, हीरा चटित चीता, विविध प्रकार का आभूषण धारण किए हुए हैं, या मदन मोहन श्रीदेवी भूदेवी का स्वर्णमय विग्रह है आदि को शायद चोरी करने के लिए महिला यहाँ पे थी और भगवान की किसी लीला के कारण चोरी नहीं कर पाई, पकड़ो पकड़ो मारो मारो ऐसा कहते हुए तो सची देवी को पकड़ दिए और कारावास कर दिए। नारी का शरीर था, मर्यादा को पालन करते हुए वे तो मारपिटाई नहीं किए लेकिन कुछ शब्दों को अत्यंत गाली गुलज करते हुए उनको कारागार में निबद्ध कर दिया गया। राजा के पास कथा पहुंचा, राजा
के द्वारा प्रमाणित कर दिया, मैंने लोगों के द्वारा प्रमाणित कर दिया गया कि वे तो सब शायद निश्चित रूप से चोरी करने के उद्देश्य में उपस्थित थे। राजा ने भी अन्य विकल्प नहीं प्राप्त किए, यद्यपि राजा पहले से ही उनकी भागवत कक्षा में सुने थे और आकर्षित हुए थे, वे परिचित थे, प्रसिद्ध थे, लेकिन यह प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। प्रत्यक्ष रूप में वे जगन्नाथ जी के गर्भगृह में उपस्थित थी तो उनको बोले कुछ काल के लिए कारावास कर दिया गया, ऐसा विचार वो दंड विधान कर दिया। लेकिन उसी रात्रि में जगन्नाथ जी अत्यंत क्रोधे होकर के नरसिंह स्वरूप, उस समय राजा थे मुकुंद देव, तो मुकुंद देव राजा के स्वप्न में जगन्नाथ जी प्रकट हुए तथा बड़ा पंडा, जो पंडाओं में सबसे बड़े हैं, मुखिया है, हेड पुजारी जिसको हम कह सकते हैं, तो उनके स्वप्न में भी जगन्नाथ जी प्रकट हुए और अत्यंत क्रोधपूर्ण व्यवहार करते हुए कहे, वो सची देवी मेरी परम भक्ता है, तुम उसको बंदिनी बना करके रखे हो, यथाशीघ्र उनको मुक्त करो, नहीं तो संपूर्ण राज्य जो है भस्म को प्राप्त करेगा, सभी राज्यों में प्रजा में उत्कल वासियों को रोग हो जाएगा, अनहार आ जाएगी, दुख की पीड़ा का सीमा नहीं रहेगा। तो बड़ा पंडा अत्यंत चिंतित हुए और राजा भी स्वप्न के अनुसार उस विचार को गंभीरता से लेते हुए यथा शीघ्र सची माता को, सची देवी को कारावास से मुक्त किए और क्षमा प्रार्थना किए। और जगन्नाथ जी बोले, इसका परिशोधन कैसे हो सकता है जब तुम उनके दास बन जाओगे, इस अपराध का मार्जन कैसे होगा, तुम दास होगे, जैसे गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लिए क्योंकि उनका संशय हो गया था उनको भोगात्म विलास को देखते हुए, और चैतन्य महाप्रभु उनका जब दीक्षा लोगे, उनसे उनका दास बन जाओगे, उनके शिष्य बन जाओगे, तब तुम्हारा अपराध मार्जन होगा, नित्य उनका दास बनकर के रहना, तब जाकर के अपराध मार्जन होगा। तब राजा को भी जगन्नाथ जी आज्ञा दिए थे कि इस महावैष्णव अपराध का परिशोधन केवल उनके दास बनोगे तभी हो सकता है। तब राजा ने क्या किया, गंगा माता गोस्वामी से दीक्षा के लिए अनुरोध किया। तो राजा मुकुंद देव को और सची देवी दीक्षा दी, क्योंकि गंगा देवी साक्षात प्रकट हो गई सची देवी के लिए जगन्नाथ कृपा से, उसी दिन से उनका नाम गंगा माता गोस्वामिनी नाम से प्रसिद्ध हो गया, जो कि सची देवी जो चैतन्य महाप्रभु की माता के नाम से नामित सची देवी थी। लेकिन इस लीला के बाद सभी पूरी निवासी, नीलाचल निवासी उनको गंगा माता गोस्वामिनी इसलिए किए क्योंकि वो इंद्र विजयी थी, यति धर्म में सन्यासिनी धर्म में थी और साक्षात पुरी के राजा मुकुंद देव उनके उनसे दीक्षा प्राप्त की। तो कालांतर में राजा ने भी नियम कर दिया, सभी जो भगवान के सेवक हैं, जिन पंडों का भी अपराध हुआ है, उनको संशय किए हैं, वे सभी भी गंगा माता गोस्वामिनी से दीक्षा संस्कार ग्रहण करेंगे। इसलिए आज भी यह परंपरा है, गंगा माता गोस्वामिनी के मठ से ही जितने भी ब्राह्मण हैं, विशेष करके श्रृंगारी सेवक हैं, जब तक वे कर्ण संस्कार को, दीक्षा संस्कार को प्राप्त न करें, वैष्णव संस्कार को ना प्राप्त करें, तब तक उनको जगन्नाथ जी का अंग सेवा प्राप्त नहीं होता। जैसे हम जैसे ऊर्ध्वपुंड तिलक करते हैं, जगन्नाथ जी के जो श्रृंगारी सेवक हैं, वे भी ऊर्ध्वपुंड तिलक करके जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं और वे घी वर्ण का, घी कलर का वस्त्र पहन करके सेवा करते हैं। आप देखे होंगे जगन्नाथ जी के रत्न सिंहासन पर जो चढ़ करके जो जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, उनको फूलों का श्रृंगार, अन्य वेशों का श्रृंगार करते हैं, तो वैष्णव तिलक, ऊर्ध्वपुंड तिलक वे धारण करते हैं। तो वे सभी गंगा माता गोस्वामिनी की परंपरा से दीक्षित, तब से उनका नाम गंगा माता गोस्वामिनी हुआ। अनेक तो ऐसे नीलाचल वासी को अनेक को वे दीक्षा दिए और बंग प्रदेश के भी महीधर शर्मा नाग ब्राह्मण को भी दीक्षा दिए, प्रचार कार्य में नियुक्त कराए। गंगा माता गोस्वामिनी उड़ीसा में रहते हुए वेस्ट बंगाल में, बंग देश में भी प्रचार कार्य महीधर शर्मा के द्वारा करवाया। तो ऐसे राधा रसिक राय जगन्नाथ जी और के कृपा पात्र हरिदास पंडित जो साक्षात रास मंजरी है, उनके कृपा पात्र श्री गंगा माता गोस्वामिनी है और वे अत्यंत कृपा करके परम प्रदान किए भक्ति करने के लिए। वे तो गोस्वामिनी स्थिति तक, सन्यासिनी स्थिति, अति उच्च कोटि मनुष्य धर्म, जड़ धर्म से परे भगवत भक्ति के परम उच्च कोटि के धरातल पर पहुंची।
तो समस्त स्त्री पुत्र स्त्री वृद्ध आदि सकले डुबाए, जो महाप्रभु का वाक्य को निश्चित रूप से गंगा माता गोस्वामी ने सार्थक किया। इस महाप्रभु का वाक्य है, उछुलिल प्रेम बन्या चौदिगे बड़ाए, स्त्री वृद्ध जुबा आदि सकले डुबाए। तो स्त्री हो, वृद्ध हो, युवक हो, सबको महाप्रभु का संकीर्तन प्राप्त हुआ और हरिनाम हरेक कोई ग्रहण कर सकता है और परम उच्च कोटि की स्थिति पर भी वो पहुंच सकता है। और इसके साक्षात प्रमाण श्री गंगा माता गोस्वामिनी या सची देवी है और वे कृपा करके पूर्ण रूप से ऐसे 121 वर्ष तक जगत में निवास किए और जगन्नाथ जी के चरणों में पूर्ण भक्ति को करते हुए राधा ऋषिप्रयाग के चरणों में नित्य निवास करके वे अपने स्वधाम को भगवत धाम को गमन किए। तो उन गंगा माता गोस्वामिनी के चरणों में हम बार बार अनुरोध करते हैं, वे भी जगन्नाथ जी के चरणों में, राधा ऋषिप्रयाग के चरणों में जैसे भक्ति करके एक परम आदर्श का स्तंभ को समाज के समक्ष, वैष्णव के समक्ष प्रतिष्ठा किए हैं। वे भी कृपा करके हम सबको भी इस प्रकार के भक्ति के सूत्र प्रदान करें और हमारा भक्तिमय जीवन को परम आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद के द्वारा, उनके कृपा कटाक्ष के द्वारा अभिभूत कराए और कृपा रंजित कराए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरिओम, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बात पूछनी थी, जो गंगा माता मठ में एक टनल जैसा बना हुआ है उसके बारे में कुछ बता सकते? हाँ, वास्तव में उसी टनल के वहां से ही गंगा माता गोस्वामिनी स्नान करने के लिए वहां पे गए थे अपने किया का वो स्थान से, और वहां से पहुंचते पहुंचते श्वेत गंगा में, क्योंकि श्वेत गंगा यद्यपि कई वर्षों का कहना कि श्वेत गंगा गंगा माता गोस्वामी के द्वारा आविष्कृत है, लेकिन अगर स्कंद पुराण को देखा जाए, स्कंद पुराण के उत्कल खंड के महात्म्य वर्णना है, त्रेता युग की बात है, एक श्वेत नामक राजा थे, तो उनके भक्ति को देखते हुए जगन्नाथ जी श्वेत गंगा के स्वरूप में गंगा जी को प्रकट किए, ऐसा प्रमाण स्कंद पुराण में प्राप्त है। यद्यपि गंगा माता गोस्वामिनी के मठ के कुछ लोग कहते हैं कि उनके द्वारा प्रकट हुआ है, लेकिन प्रामाणिक सूत्र से यह स्कंद पुराण में वर्णना है, क्योंकि बहुत पूर्व काल से श्वेत गंगा अर्थात जगन्नाथ जी जो पंच पुष्करणी है आदि अर्थात सत्य, और कालांतर में वो अन्य अन्य सूत्र में प्रकट हुआ है। तो जो टनल है, जो सुरंग है, उसी स्थान से ही श्वेत गंगा में जाकर स्नान किए थे, श्वेत गंगा से गंगा सागर पहुंचे और गंगा सागर से जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, ऐसा है। तो ये टनल जगन्नाथ जी के गर्भगृह तक है प्रभु जी, जो बोलते हैं कि गर्भगृह तक टनल बना? ये सत्य है। अच्छा। लेकिन ये डायरेक्ट मार्ग नहीं, वो गंगा सागर तक जाता है और गंगा सागर से होते होते जगन्नाथ जी के गर्भगृह तक आता है। तो ये तो माने अगर फिजिकली ज्योग्राफिकल अगर काउंटिंग किया जाए तो लगभग जगन्नाथपुरी से गंगा सागर की जो दूरी है लगभग 600 या 700 किलोमीटर होगा, और फिर से वहां से वहां तक जाना और यहाँ आना, ये तो दिव्य स्थिति है। और फिजिकली वो है या नहीं वो तो क्योंकि दिव्य स्थिति में गंगा माता गोस्वामी वहां तक पहुंचे, ना कि हम उसको भौतिक क्षेत्र में चिंतन नहीं कर सकते। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और है किसी का प्रश्न? ठीक है, तो प्रश्न है नहीं तो हम यहाँ पे विराम करेंगे, 5:50 तो हो गया समय। तो समस्त भक्तों के चरण कमलों में पुनः बार बार प्रणाम। तो समस्त लीला, जो भक्त की लीला को श्रवण कर रहे हैं, हम अनुरोध करते हैं कि दिन भर व्यवहारिक कार्यों करते समय उन लीलाओं को स्मरण करें, उन आचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उनकी जीवन शैली को अपने जीवन में यथकिंचित उतारने के लिए प्रयास हो। हर एक भक्त को हर एक दिन एक एक भक्तों के सहित जीना चाहिए, तो उसी सूत्र को आधार करके हम भी साधक जीवन में ऐसा करते हैं। तो आप सभी भक्तों से हम अनुरोध करते हैं, हमारा दिन व्यर्थ ना जाए,
हमारा दिन विषयों के संग में ना जाए। जैसे कल हम श्रीवास पंडित जी की चर्चा किए थे, तो हमारा दिन भर श्रीवास पंडित जी के सहित होना चाहिए। हम उनके पीछे पीछे हैं, हम उनकी लीलाओं को देख रहे हैं, हम उनकी लीलाओं को सुन रहे हैं, उनकी भक्ति के अद्भुत सूत्र को ग्रहण कर रहे हैं। वैसे ही आज जैसे गंगा माता गोस्वामी की चर्चा किया, तो आज से कल तक कम से कम हमारी चेतना में गंगा माता गोस्वामी ही हो, राधा रसिक राय हो, जगन्नाथ जी हो, वृंदावन का धाम हो, गोविंद देव हो, यमुना जी का किनारा हो, राधा कुंड हो, अष्ट कुंज हो, अष्ट सखाओं का कुंज हो, अष्ट सखियों का कुंज हो, चेतना के हर एक कण में, चिंतन के हर एक सूत्र में, मन के हर एक तार में वे विराजमान करे, तो कथा सुनने का वास्तविक लाभ होगा। कथा के बाद अगर श्रवण के बाद चिंतन नहीं करेंगे और चिंतन के बाद उसको आचरण नहीं करेंगे, निध्यासन में नहीं लाएंगे, तो कथा का पूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो परम सूत्र का विधान करने के लिए आचार्य ने ऐसा लीला किया है, तो उसका परम लाभ उठाना चाहिए। और हर एक समय को, हर एक कण को, हर एक क्षण को भगवत चेतना में, भगवत भक्तों की चेतना में अतिवाहित करना चाहिए। ऐसा अनुरोध करते हैं सभी इस कार्य में संसग्न हो और उन भगवान की तथा उन भक्तों की परम कृपा को प्राप्त करें। हरे कृष्ण। विराम करते हैं, पुनः भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए कथा को यहाँ पे विराम। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरे दिस प्रभु की गंगा माता गोस्वामिनी की जय। श्री हरिदास पंडित की जय। जय अनंत आचार्य की जय। जय आधार पंडित की जय। जय परम कृपालु श्री निताई गौर सुंदर की जय। जय समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी तन्वत प्रणाम। हरे कृष्णा, अभी एक एक सूचना दूंगी। प्रभु जी का पर्सनल यूट्यूब चैनल बना हुआ है, जो कि मैंने अभी सबको मैसेज के द्वारा भेजा है, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए। और सारे कथा नेक्स्ट से अब वहीं हुआ करेंगी, मतलब आई मीन यूट्यूब पे भी वहाँ देखेंगी, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने प्रियजनों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जिससे कथा का ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सकें। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप इतना हेल्प कर रहे हैं, हम मैं सोच रही थी कि यूएस में कुछ बार बार बोल रहे फेसबुक करके, तो ये अच्छा। जी जी मंत्र जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद।